हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हुए जानते हैं कि ये व्रत कब है, क्यों रखा जाता है, इसका महत्व क्या है और इसे लेकर क्या मान्यता है। पंचांग के हिसाब से यह अष्टमी कल है। जैसे करवा चौथ का अपना एक महत्व होता है, ठीक उसी तरह इस खास दिन की भी हिंदू धर्म में अपनी ही मान्यता होती है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं, तो वहीं ये व्रत उनके बच्चों को समर्पित है। माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोल देती हैं। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। अहोई अष्टमी व्रत दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आती है। अहोई अष्टमी को कुछ जगहों पर अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि ये भी करवा चौथ की तरह ही कठिन है। बहुत सी महिलाएं व्रत पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए रखती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत पारण करती हैं। अगर बात की अष्टमी के शुभ मुहूर्त की, तो उदया तिथि में 5 नवंबर 2023 रविवार को ये व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 5 नवंबर को सुबह 12:49 से शुरू होगा और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषों ने पूजा के लिए जो समय बताया है वो शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रंगोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा सुनाती हैं। इसके बाद रात में तारे को अग्र देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। अगर आप तारों को देखकर व्रत खोलने वाली हैं तो शाम 5:37 पर आपको तारे दिख जाएंगे, तो वहीं इस दिन चंद्रमा 6 नवंबर को 12:01 पर दिखाई देगा। चलते चलते आपको व्रत की कथा भी बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक जंगल में दयालु महिला को अपना घर सजाना था, जिसके लिए वो मिट्टी खोद कर लाने गई। मिट्टी खोदते वक्त उसकी कुदाल गलती से एक शेर के बच्चे को लग गई और वो मर गया। इस घटना से वो भावुक हो गई और खुद को दोषी मानने लगी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। दुखी महिला ने इसे अपना दुर्भाग्य समझ लिया। ये घटना उसने एक बूढ़ी माता जी को सुनाई, जिन्होंने उसे शेर के बच्चे का एक चेहरा बनाने के बाद देवी पार्वती के अहोई अवतार की पूजा करने को कहा। उसे कहा कि वो व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करे। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसे गलती का पछतावा हुआ। माता प्रसन्न हुई और उसे सामने प्रकट होकर उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। तभी उसके 7 बेटे वापस आ गए। उस दिन से हर साल अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आपके घर में इसे लेकर क्या मान्यता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ नेशन।